एक प्राचीन शिकारी लाखों वर्षों से सुंदरबन, भितरकनिका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मैनग्रोव से सजे समुद्र तटों में रहता आया है। इसने हिमालय को बनते हुए देखा है। लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले हुए यूकाटान एस्टेरॉयड की टक्कर से इसके पूर्वज बच निकले थे, जिसने डायनासोर सहित पृथ्वी पर उस समय व्याप्त जीवन के 3/4 भाग का सफाया कर दिया था। लीजिए, खारे पानी के मगरमच्छ से मिलिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा सरीसृप। खारे पानी के मगरमच्छ की लंबाई लगभग 7 मीटर तक हो सकती है और ठंडे दिनों में गर्म रहने के लिए इसे अक्सर धूप सेकते हुए देखा जा सकता है। ठंडे खून वाले इस जीव के शरीर में पसीने की ग्रंथियां नहीं होती और इसलिए गर्म दिनों में शरीर की अतिरिक्त गर्मी को यह मुंह खोलकर बाहर निकालता है। मगरमच्छ एक आंख खोलकर सोते हैं। इस प्रक्रिया को अर्ध गोलार्ध वाली यानी यूनि हेमिस्फेरिक नींद के रूप में जाना जाता है, जिसमें मस्तिष्क के केवल आधे भाग को बंद करके दूसरे भाग को किसी भी खतरे के प्रति सचेत रखा जाता है। खारे पानी का मगरमच्छ पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे और जमीन पर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। यह न केवल तेज है बल्कि शक्तिशाली भी है। सहन शक्ति के अध्ययनों में पाया गया है कि यह पानी में 900 किलोमीटर तक की यात्रा करता है। इसकी मटमैली खाल उष्णकटिबंधीय पानी के प्राकृतिक भूरे रंग से पूरी तरह मेल खाती है। इसका इस्तेमाल मगरमच्छ अपने फायदे के लिए करता है। वह धीरे धीरे अपने शिकार तक पहुंचता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पानी में इसे हराना लगभग असंभव है। आमतौर पर इसके शिकार में मछलियां, कछुए, पक्षी, छोटे सरीसृप और स्तनधारी जीव, पालतू पशु शामिल होते हैं और शायद ही कभी पर मनुष्य भी हो सकते हैं। यह अपना मुंह पानी में इसलिए खोल पाता है क्योंकि इसके गले के पिछले भाग में एक वाल्व लगा हुआ है जो पानी को इसके फेफड़े में घुसने नहीं देता। मगरमच्छ के सबसे मजबूत शस्त्र उसके दांत पानी में शिकार को पकड़ने के लिए बने हैं, लेकिन उनसे शिकार को काटा नहीं जा सकता। इसके लिए दांतों से खाल को गहरा काटकर मगर को तेजी से घूमना पड़ता है। पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध में मगरमच्छ की खाल की बड़ी मांग थी और उन दिनों चमड़े के लिए इसका शिकार करना कानूनी था। बेतहाशा शिकार से इसकी संख्या में तेज गिरावट आई। 1975 की शुरुआत में पहली बार घड़ियाल और खारे पानी के मगरमच्छ के संरक्षण कार्यक्रम को ओडिशा में लागू किया गया था और देश में उनकी अनुमानित संख्या 1976 में 96 से बढ़कर 2012 में 1640 हो गई। आज सुंदरबन और भितरकनिका में पर्यटक आमतौर पर मगरमच्छों को किनारों पर धूप में अलसाते हुए देख सकते हैं। चमत्कारिक शारीरिक संरचना वाले इस जीव ने डायनासोर का पतन देखा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बना रहे।